अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। टुडे देयर आर दैट अबाउट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। और हर साल हज़ारों की तादाद में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। देयरफॉर द ओल्ड डेफिनेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। इस वजह से जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। द डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिवील डैट ऑल ऑफ दैम कंटेन कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एज देयर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमें ये बात बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिवील करते हैं कि तमाम कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन के उनमें जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है ना, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए बाइंड हुए होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। हैंस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ताहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, के उनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। दे डेरिवेटिव्स और इन्हीं से ही ड्राइव हुए दूसरे कंपाउंड्स इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट। जिनमें जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है कार्बन ने, वो एक इम्पॉर्टेंट और अहम कंस्टिट्यूएंट होता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो डिफाइन दे रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स की स्टडी से, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दो द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि जो कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, ये कार्बन कंपाउंड होते हैं एंड दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं। ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्पेसिफिक फॉर्मूला। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। चार तरह के फॉर्मूला होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के: मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने एक कंपाउंड में वो शो करता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। तो इधर वो ब्यूटेन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बता रहे हैं कि जो ब्यूटेन होता है उसमें हमारे पास 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास। इट शोज़, ये शो करता है कि ब्यूटेन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कि ब्यूटेन जो है कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की निशानी थी। नेक्स्ट है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम। हर मॉलिक्यूल जो ब्यूटेन के उसमें 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट अरेंजमेंट जो हुई होती है डिफरेंट एटम्स की और एलिमेंट्स की उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड बाय 2 लाइन्स, 2 लाइनों से डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, द ट्रिपल बॉन्ड बाय 3 लाइन्स और 3 लाइन से ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है या तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10, और इस तरह से 2 स्ट्रक्चर ये बनाता है, आइसोब्यूटेन और एनब्यूटेन। आगे हमारे पास आ जाता है कंडेंस फॉर्मूला। द फॉर्मूला डैट इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम जॉइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो इंडिकेट करता है कार्बन एटम्स को चेन की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला, जिस तरह ये एनब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस की सूरत में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट फॉर्मूला, जिस तरह से ये बताया हुआ है उन्होंने हमें। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।